देश में, देश भर में जहाँ पे भी बड़े बड़े मंदिर है, जैसे हमारे प्रदेश में बालाजी का भी मंदिर है, उसे तो खोल लिए हैं और वहाँ हर रोज 25 to 30,000 भक्तजन आते हैं वहाँ दर्शन के लिए। तो यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं खोलना, ये खिलवाड़ है यहाँ के लोगों के साथ। और हम बीजेपी की तरफ से हम डिमांड करते हैं जैसे कि जल्द ही जल्द मंदिर को खुलवाएं, और इसी के साथ मंदिर के जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हमें यहाँ ज्ञात हुआ कि यहाँ के जो जगन्नाथ मंदिर जी के जो भी धर्मशाला है उसको बेचने का तो तैयारी बेच दिए हैं, जिस पे हमारे यहाँ के सांसद जो लड़े संबित पात्रा वो भी कोर्ट में गए। इसलिए हम डिमांड करते हैं बीजू पटनायक जी से, नवीन पटनायक जी से, कि वे जल्द ही जल्द मंदिर को खोलें और प्रभु के जो भी प्रॉपर्टीज है उन सब का संरक्षण करें। जी पूरी जिला कर्मकर्ता के लिए आपके क्या संदेश? नहीं, हम यही कहते हैं, वो तो भगवान के सेवा में ही जुटे रखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि वो सावधान रखें, और अगर ऐसा कोई बात है तो यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं उनके संरक्षण में, संज्ञान में अगर लेके आएंगे तो ज़रूर हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। पूरी का नहीं, मैं तो ओडिशा की प्रभारी बनकर आई हूँ, ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा करेंगे और 2023 में हम सत्ता पे आने के लिए ज़रूर उसकी ओर हम काम करेंगे और कृषि करेंगे।